जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सिराज। आप लोग देख रहे हैं स्टडी अंडर 95। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। गाइस, आज के वीडियो में बताने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी 10+2 की फॉर्मूला अपडेट है, करेक्शन कब है और कब तक आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन आने वाले टाइम में आप लोगों को बताने वाला हूं। कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं एक एक चीज आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आज का विचार आप लोगों को बताता हूं। आपको हमेशा मोटिवेट रखना है, ये नहीं कि कोई डिमोटिवेट ऐसी बातें बोलते तो आपको डिमोटिवेट हो जाना है। आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है, अच्छी मेहनत करना है। कर हौसला रख उम्मीद अपनी इरादों पर, कर हौसला रख उम्मीद अपनी इरादों पर, अपनी मेहनत पर। जब कामयाबी मिलेगी पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। जब तुम्हें कामयाबी मिलेगी पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। अपने हौसले को कभी 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 महसूस मत करो। गाइस, आपको हमेशा किसी की बातों को सुनकर डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपना काम करते रहना है। और स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 10+2 का लास्ट डेट है। आपका लास्ट डेट अप्लाई फॉर्म है 27/2024 और इस फॉर्म की कलेक्शन मॉडिफिकेशन है। फॉर्म भी 23/2024 से लेकर 6/11/2024 है। तो इस डेट में आपको भी कोई मतलब ऐसा कुछ ना खास आप लोग का कोई मिस्टेक हो, बाई में मिस्टेक हो जाता है, अगर फॉर्म को कोई मिस्टेक करते तो कलेक्शन मॉडिफिकेशन 30/2024 लेकर 6/11/2024 छह दिनों का मौका मिलेगा। काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर आप लोग रेलवेट नॉन टेक्निकल 10+2 अंडर ग्रेजुएट लेवल की नाम सी में कैसी आई हुई है गाइस। और यहाँ पर देखते हैं टोटल बुक पोस्ट 3445 है। तो पहला पोस्ट है और इसमें चार पोस्ट है। टोटल चार पोस्ट इसमें दिया गया है। एक कॉमर्शियल ग्राउंड टिकट क्लर्क 2022 पोस्ट है। देखो कितना शानदार है, 2022 और 2024 चल रहा है। तो ये इन दोनों ने क्या सोचकर पोस्ट निकाला है, काफी शानदार पोस्ट है। जो भी गर्ल्स फीमेल्स जो भी देख रहे हैं, देखती हैं या देखते हैं, जो भी हो फीमेल मेल दोनों लोग देखेंगे वीडियो, तो उनके लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं 10+2 इंटरमीडिएट 50% मतलब 10+2 होना चाहिए इंटरमीडिएट, ये दोनों मायने रखेगा, मायने करेगा। और 50% मार्क मतलब आपके जो जिसमें आप पास हुए हैं 10 में या इंटर में, उसमें 50% मार्क से पास होना चाहिए। और दूसरा है ट्रेन क्लर्क। ट्रेन क्लर्क में 72 मार्क्स है और इसमें भी सेम कैटेगरी है, कैटेगरी क्राइटेरिया है, सेम क्राइटेरिया इसमें भी आपका सेम। और इसमें थर्ड आ जाता है अकाउंटिंग क्लर्क काउंटेंटिस्ट, इसमें 361 पोस्ट है। इसमें क्राइटेरिया ये है कि आपको 10+2 पास होना चाहिए इंटरमीडिएट और 50% मार्क आपको उस एग्जाम में पास इंटरमीडिएट में आना चाहिए, 50% होना चाहिए। 50% से कम रहेंगे तो आप उसको फिल नहीं कर पाएंगे। और इसमें कंप्यूटर टाइपिंग टाइपिंग मांग रहा है इंग्लिश में 30 वर्ड पीएम और हिंदी में 25 वर्ड पीएम 25 वर्ड पीएम वर्ड आपको प्रिंट करना होगा जो भी होगा। यहाँ पर चौथे नंबर पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें चौथा है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये भी दोनों टाइपिस्ट मतलब ये दोनों है टाइपिस्ट पोस्ट है। इसमें 99 पोस्ट है टोटल और इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, इंग्लिश का 30 वर्ड पीएम आपको टाइपिंग करना है, हिंदी का भी 90 पीएम इतना आपको टाइपिस्ट करना है गाइस। और इसका आप लोग देख सकते हैं लास्ट डेट है, इतना आपको अप्लाई करना है 27/2024 को। इसका लास्ट डेट जल्द से जल्द आप लोग फिल कर लें, नहीं तो इसका लास्ट डेट निकल जाएगा। आज 22 तारीख हो गया तो जल्द से जल्द इसमें आप लोग ध्यान दें। और इसका करेक्शन मॉडिफिकेशन है आपका 30/2024 से लेकर 6/11/2024 तक, तो इसके आपको टोटल मतलब 6 दिन मिल जाता है। आपको शानदार अपॉर्चुनिटी है, जल्द से जल्द ही फॉर्म फिल कर लें। और काफी शानदार एक फॉर्म है आप लोगों के लिए, अच्छा वैकेंसी आई है। जो भी इंतजार कर रहे हैं आने वाले एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का भी आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे, काफी शानदार मौका है। आप लोग अपना तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, आगे बढ़ते रहिए और प्रत्येक दिन अपने प्रिपरेशन पर अपना मार्क कीजिए। क्या आप तैयारी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या छूट रहा है, क्या मिस्टेक हो रहा है, क्या गलतियाँ हो रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हुए आप लोग आगे बढ़ते रहे और काम को जल्द से जल्द फिलअप कर लें। क्योंकि लास्ट डेट समाप्त हो जाएगा तो फिर सर्वर भी डाउन हो जाएगा, इसकी वजह से सर्वर बिजी हो जाएगा तो आप लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। लगभग अब तक फिल कर लेना चाहिए आप लोग को सारी फॉर्म को अच्छी तरह से। और जो भी मैं अगला चीज कोई भी एनटीपीसी रिलेटेड कोई भी चीज़ जानकारी रहता तो आप लोग को मैं बताने की कोशिश करूँगा गाइस। और जो भी इन्फॉर्मेशन या वीडियो या स्टडी से रिलेटेड मटेरियल जो भी होगा आपको धीरे धीरे प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।